छोड़ कर लापरवाह लड़का है, आज स्कूल की सालगिरह पर भी नहीं आया। पिताजी वो तो किसी मस्जिद में किसी तालाब पर या किसी कर्मचारों में झूठ में लगा तो लड़के बच्चे पर खराब हो गया। राइट राजा जी का चले था भतीजा, हिंदुस्तान का नंबर वन जादू राजू लक्ष्मी की तलाश के सिवा और कहाँ जा सकते। लेकिन ये भुलिया क्या बना रहे था? माफ करना चाचा जी, तो चाचा जी के चक्कर में मैं इन लोगों को। ये लोग कौन है चाचा जी? ये हजरत बोलते हैं कि ये हमारी लक्ष्मी। नहीं नहीं, ये हमारी लक्ष्मी नहीं हो सकती। अच्छा चाचा जी, मेरा स्कूल से कुछ देखिए, क्या हमारी लक्ष्मी का लोग? नहीं, ये हमारी लक्ष्मी का लोग। मुझे तो पहले शक था। अच्छा तो जरा इसका पाँव का टीवी देख लीजिए। हाँ हाँ देख लीजिए, इसका तो देख लीजिए। लक्ष्मी के दाएं पांव पर सिर था, बाएं पर नहीं। सरकार जब ये छुट्टी थी तो फिर इसके दाएं पांव पर ही था, उनके साथ था फिर भी बढ़ते बढ़ते बाएं पांव पर। हाँ बेटा, ये लंबा फ्रंटियर मैन राजू, ये पुलिस ये कहां से पकड़ लाए? निकाल दो इन्हें। बड़ा आया क्या नंबर वन? अरे रो मुर्गा मसलम, देख क्या रहा है, दबा हो जाए यहाँ से, वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। चले जा दर्जे के अहमद को। मैंने कहता था ये लड़की नकली है, आज तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान के जासूस नंबर वन की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कौन हो सकता है चाची? आज तुम मुझे लक्ष्मी का सही सही हुलिया बता दो, मैं एक बार फिर अखबारों में इश्तहार दे दूंगा। ने कहा और नए मास्टर मास्टरानी के साथ साथ हमारी लक्ष्मी जब मिल जाएगी। चंद्रगुप्त बेबू सारे जानता था बेबू कैसा नाम जब वो उसके गले में पानी छिड़ गए उसने और उसके दाएं पांव पर जन्म की सफाई के बराबर